नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का समीर सर की पाठशाला में। तो दोस्तों, डेट नजदीक आ रहा है, तिथि नजदीक आ रही है। किस बात की तिथि वो आप लोगों को बतानी नहीं पड़ेगी। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो परीक्षा दिए हैं, जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है वो सभी काफी परेशान है और बार बार इस मुद्दे पर मुझसे बोले वीडियो बनाने के लिए। मैंने बनाया वीडियो, सबको मैंने कहा अगर आप लोग जाना चाहते हैं, आप लोग जा रहे हैं, ठीक है आप लोग जाए, मगर अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को वहां पर रखें। अब ये लोग, ये सारी बातें आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से वहां बातें करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ये आपकी अपनी जिम्मेवारी है। मेरा काम है आप लोगों की बातों, आप लोगों की आवाज को सब तक पहुंचाना, वो मैं पहुंचा देता हूं अपने शैक्षणिक चैनल के माध्यम से। चूंकि ये मुद्दा शिक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं वीडियो जो है न्यूज टैब का बना करके इसमें डाल देता हूँ, ताकि आप लोग रिजल्ट आ सके और उसके बाद जो है मैं मेंस की पढ़ाई, मुख्य परीक्षा की पढ़ाई अच्छे से करा सकूं और आप लोग भी भली भांति इसकी तैयारी कर सके। तो दोस्तों, मैं आप लोग से ये कहना चाहूंगा कि मैंने एक न्यूज चैनल खोला है जिसका नाम मैंने अभी न्यूज टुडे रखा है, पर वो सर्च में अभी नहीं आता है क्योंकि कई न्यूज टुडे और भी चैनल खुले हुए हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया था, जिस वजह से वो सर्च में नहीं आता है, इसलिए सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर पाएंगे। अगर लेकिन मुझे इस बात का खेद है कि मैंने अपना लिंक सबको व्हाट्सअप कर दिया था, ग्रुप में भी डाला था, मगर जितने व्यूज आए उतने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा जो जो लोग उसे देखे हैं सब सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी जल्दी सब्सक्राइब होगा वो उतना ज्यादा ही जो है प्रखर होगा और वो उतना ही व्यापक पैमाने पर फैलेगा, मजबूत चैनल हो जाएगा। क्योंकि उसके मोनेटाइज हुए बिना, उसके टारगेट को पूरे हुए बिना वो सर्च में भी नहीं आएगा और सब तक पहुंचेगा भी नहीं। आपका अपना न्यूज चैनल है ये, अब किसी के पास आप जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये सर इसे बुलाएं, सर उसे बुलाएं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्तों। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना ही जानना है कि जो भी मुद्दा हो आपका, आपके शहर का मुद्दा हो, अगर शैक्षणिक मुद्दा हो, राजनीतिक हो या आपकी आम समस्याएं हो, आप उसका रिकॉर्डिंग करके मुझे पुख्ता सबूत के साथ भेज दें व्हाट्सएप पर, मैं उसे न्यूज में डाल दूंगा और आप लोग उसे देख सकेंगे। तो ये सपोर्ट आप लोग का तभी होगा जब आप लोग भली भांति उसका सब्सक्राइब करेंगे। लाइक ना करें कोई बात नहीं, आप उसमें कमेंट ना करें कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें मेरा लिंक देखने के बाद, ठीक है दोस्तों। यहां तक कि मैंने जितने लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे सबके रिप्लाई मैंने अपना वीडियो का लिंक भी दे दिया, उसके बावजूद सबने सब्सक्राइब नहीं किया है, इस बात का मुझे खेद है। इसमें आपको सपोर्ट करना है और ये आपकी चैनल है, आपको करना ही पड़ेगा। कुछ अच्छा सा नाम मैं सोच रहा हूं, अगर आप लोग कुछ अच्छा नाम चैनल का सोचें और सर्च करके देखें ये चैनल इस नाम से अगर नहीं हो यूट्यूब में, तो मुझे मेरे बॉक्स में जो है कमेंट बॉक्स में उस चैनल का नाम लिखिए, ताकि मैं वो उस नाम से चैनल को खोल सकूं। ये भी आप लोग लिए टास्क रहा, जिसका नाम पसंद आएगा, जिसको मैं जिसका नाम पसंद आ जाएगा और वो अगर मैं रखूंगा नाम उस चैनल का, उसको मेरी तरफ से कुछ प्राइज कुछ इनाम दिया जाएगा, तो मैं उसका एड्रेस बाद में मांग लूंगा। ये रहा एक बात आप लोगों के लिए खुशखबरी। दूसरी बात दोस्तों, कि आप लोग जो जाने वाले हैं, अच्छी बात है, बधाई हो, जाए कोई बात नहीं। मैंने एक सबों से ग्रुप में मांगा था एक एक अपना वीडियो क्लिप भेजे जो लोग जाने वाले हैं, ताकि ये मामला ये कोई बरगलाने वाली नहीं हो, भ्रामक नहीं हो, हर कोई सोचे ये सच्ची बात है, सभी कोई जाना चाह रहे हैं और इससे क्या होगा, स्टूडेंट लोग सोचेंगे नहीं ये बात सच है। तो इसलिए क्या था, मैंने एक वीडियो क्लिप मांगा था आप लोगों से, लेकिन तीन ही व्यक्ति ने क्लिप भेजा जो कि मैंने अपने न्यूज चैनल में ऑलरेडी लगाया है, न्यूज टुडे में। इसका जो लोग भी सब्सक्राइब किए हैं, कुल 50 प्लस सब्सक्राइबर तो हुए हैं, वो लोग उसको देखे होंगे और 200 से ऊपर लोग इसे व्यू कर चुके हैं, मगर उतने ज्यादा सब्सक्राइबर कर चुके होते आज मैं 200 प्लस सब्सक्राइबर जरूर होता। तो मुझे खेद है, मुझे तकलीफ इस बात की, मैं मेहनत किया उसका परिणाम मुझे आप लोग उस प्रकार से नहीं दिए, खैर जितने भी दिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। अब मैं एक बात आपको कहने वाला हूं कि मैं 10 तारीख को यानी कि परसों, आज शुक्रवार है, संडे यानी रविवार को पूर्णिया आ रहा हूं। तो जो लोग पूर्णिया में रह रहे हैं, जो मेरा वीडियो देखते हैं, वो लोग मुझसे मिलना चाहें, किसी मुद्दे पे बात करना चाहें, चाहे पढ़ाई की कुछ ट्रिक्स हो या फिर उसके अलावे आप लोग बीएसएससी संबंधी कुछ मुद्दे पे बात करना चाहें, जिस कारण से भी, या किसी को मुझसे मिलने की इच्छा हो, चलो सर से एक बार मिलते हैं, हमेशा टीवी पर देखे हैं, मोबाइल पर देखे हैं, चैनल पर देखे हैं, आज साक्षात्कार उनसे बातें करते हैं, तो भी आपका स्वागत है, आप लोग आ सकते हैं। तो मेरा मुख्य कारण आज का ये रहा इस वीडियो का, आप लोग पूर्णिया है, स्थान है पूर्णिया कॉलेज, और जितने भी मेंबर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं
वो तमाम मेंबर्स हमसे फोन पर संपर्क कर सकते हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ। वो तमाम लोग जो भी आना चाहते हैं वो लोग बता दे कि मैं आना चाह रहा हूँ मिलने के लिए, मैं सबका इंतजार करूंगा। समय का निर्धारण मेरे पूर्णिया पहुंचने के बाद होगा, क्योंकि मैं किस समय पहुंचूंगा ये तो तय है नहीं। मेरे पास ना फ्लाइट है ना कुछ है, ना यह व्यवस्था है कि मैं उड़ के पहुंचूं। हाँ, यहाँ से 2 घंटे का समय लगता है बस के द्वारा, इतना मुझे पता है। अब मैं जितना जल्दी पहुंच सकूं वो अच्छी बात है। संडे का समय रहता है, हर कोई फ्री रहेंगे, आप लोग आके मुझसे मिल सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग जरूर से जरूर आए, और अच्छे जितने ज्यादा मात्रा में आएंगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो पूर्णिया के स्टूडेंट से और पूर्णिया के आसपास के जो भी छात्र जो चैनल देखते हैं मुझसे मिलना चाहें तो आकर के मुझसे जरूर से जरूर मिले, सबका स्वागत है। तो इसके साथ ही मैं अब विदा लेता हूं, क्योंकि मुझे ये बात बताना था। इसके अलावा मैं चैनल की बात कही, ये भी आप लोगों ने सुना, उस पर भी आप लोग ध्यान दें। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, मेरे न्यू चैनल को, क्योंकि उस न्यू चैनल के माध्यम से आपका हर बात पहुंचाने में मुझे सुविधा होगी। और मैं शैक्षणिक चैनल से इसलिए बताता हूं क्योंकि ये आपका शैक्षणिक मुद्दा है, इस विषय को लेकर के मैं इस चैनल पर आपकी बात को रखता हूं। और आपका पीटी का रिजल्ट आ जाएगा तो मुख्य परीक्षा की तैयारी मैं अच्छे से करा सकूंगा, और आप लोग भी अच्छे से तैयारी करेंगे। इस बात की मैं लालसा रखते हुए तहे दिल से चाहता हूं आपका रिजल्ट आ जाए और मैं तैयारी करवाऊं और आप लोग भी अच्छे से तैयारी करें, यही मेरा उद्देश्य है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और BSSC की ताजातरीन घटनाओं से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।